तुमची मुलगी आहे, मुलगा आहे, ओके, तुमचं लग्न झालेलं आहे, ओके, म्हणजे अजून अनमॅरिड आहे, पण तुम्हाला काय पाहिजे चांगलं, म्हणजे काय, हा म्हणजे काय, मला क्लिअर कॉन्सेप्ट पाहिजे. बघा, जोपर्यंत मी मला दिल्लीला, मुझे दिल्ली में जाना है राइट, ट्रेन से राइट, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होता है राइट. हमारे पास अभी गोल है नहीं है, गोल है नहीं है, गोल क्या होता है, जब मैंने टिकट निकाला है मुझे 25 को मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं सीएसटी पे जाऊंगा, वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाऊंगा, वहां पे फिर कोच 1 नंबर का जो डब्बा है वहां पे जाऊंगा, फिर अंदर जाऊंगा, वहां पे मेरी सीट क्या करूंगा है, मेरे टिकट को वो देखूंगा, वहां पे बैठूंगा. तो यार ये क्या हो गया, मेरा गोल क्लियर है, वो मुझे वहां पे जाना है. तो आपका ये मुझे ठीक होना, ये तो नॉर्मल बात है, क्लियर क्या है, आपका गोल क्लियर क्या, समजले हा बेटा, मतलब मी तुम्हाला समजलं का, माझं गोल क्लिअर काय, मला चांगली संपत्ती पाहिजे, मला माझं चांगलं लग्न व्हायला पाहिजे, माझ्याकडे चांगला पैसा पाहिजे. तुम्ही जसं म्हटलं की माझे मित्र पुढे चालले, सो मला तरी काहीतरी करून दाखवायचं आहे, मुझे भी कुछ करना है, तो आपण क्या लाय, तू क्या म्हणतो, एक्झॅक्टली, तो मुझे कुछ लाईफ में करना है, ये आपका इंटेंशन है, चलो आप करिए 100%, हमारी दुआ है, सबकी दुआ है, जोरदार ताली हो. पास्ट में नहीं देना है ना, प्रेजेंट में देना है, सॉरी पास्ट में ना फ्यूचर में, किसमें देना है, प्रेजेंट में देना है, कि मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल रहा है राइट. ठीक है, चलो और वही हम लोग अपनी नशा को छोड़ना चाहते हैं, कैसे सजेशन देना, कैसे देना, अफर्मेशन बहुत रोल कर रहा, अफर्मेशन मतलब क्या, सजेशन कमांड, कि मैं पूरी तरह से नशा मुक्त होते जा रहा हूं, डे टू डे लाइफ में मैं पूरी तरह से छुटकारा पा रहा हूं. तो यहां पे हम इमेजिनेशन क्या करेंगे, क्या करेंगे इमेजिनेशन, खुद की इमेजिनेशन क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, अब तुम्ही काय कराल, स्वतःला कसं बघणार, म्हणजे काय, क्लिअर बघणार, तुम्ही तुम्ही हेल्दी फीट आहात, माइंडली फीट आहात, बरोबर ना. चलो अब क्या चॅलेंजेस आपकी लाईफ में आ रहे, अब कोई बता सकते आपकी लाईफ में क्या चॅलेंजेस आ रहे, कुछ चैलेंजेस नहीं है, कोई तो बता सकते हैं चैलेंजेस क्या है आपके फैमिलीज में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, जो आप लोग उसको कवर कर सकते, उसको अच्छा बना सकते, उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं. ठीक है, जॉब पे, जॉब पे आप ऑलरेडी है, क्या चैलेंजेस है, मतलब चार चैलेंजेस थे, कोरोना के, तो अभी जॉब नहीं मिल रहा है, वही टेंशन है. काफी लोग जो नशा उन्होंने किया है कोरोना के बाद, डिप्रेशन में गए, एंजाइटी में परेशान है, क्योंकि उनका जॉब चला गया. फिर क्या सबसे ज्यादा जरूरत क्या होता है लाइफ में, पैसा, और ये पैसा नहीं होता है ना, तो माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, फिर हम इसका बेस आधार लेते हैं ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, वो क्या होता है टेम्पोररी सोल्यूशन, जो हमारे ब्रेन के अंदर 2-3 केमिकल्स है, जो कॉर्टिसोल नाम का एक ये है हार्मोन्स है, वो क्या करता है रिलीज कर देता है, जो हमारा सीरोटोनिन है वो हैप्पी मोमेंट है, हैप्पी हार्मोन्स है, लेकिन उसको क्या करता है वो कम करता है, हम एंडेनेलिन नाम के हार्मोन्स है उसको क्या करता है रिलीज करता है, मतलब ये सारे क्या हो जाते हैं पूरी तरह से सिग्नल पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है. ठीक है, तो आज से हमें आज शाम में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है रात में सोते वक्त, आपके 21 दिन तक हमें क्या करना है, खुद को क्या करना है अफर्मेशन देना है, क्या करना है, क्या देना है अफर्मेशन, डे बाय डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मतलब एक ही पल दे रहा हूँ सबके लिए पूरी तरह से हो सकते हैं. देखिए दोस्तों, एक थॉट्स हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है. मैंने लास्ट बैच में भी एक दो व्यक्तियों को देखा था, जो सडनली उनको वो आदत लगी थी, लेकिन उनके पास हमेशा बुक रहता था, मैंने देखा था, वो बंदे थे यहाँ पे, वो ऐसे किताब पढ़ते थे कि शौक में, मैंने भी किताब नहीं पढ़े थे, मतलब माइंड के ऊपर उन्होंने शायद मेरे जितने भी लेते पूरे 4-5-6 बुक उन्होंने कंप्लीट किए थे, तो किताबें भी यहाँ पे सर ने बहुत सारे रखे हैं, तो उनको पढ़ते रही, क्योंकि ये 6 महीने याद रखिए, मैं फिर बार एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये 6 महीने आपको पनिशमेंट नहीं है, ये 6 महीने
आपके लाइफ को प्रूव कर देने का क्या है, क्या है आपने क्या लिया है, कुछ कर दिखाने का। आप लोगों ने जो आपको औकात दिखाई है ना, अब बाहर दिखाई नहीं दिखाई दिखाई ना, तो अब यहाँ पे अपने माइंड को अपने हेल्थ को इतना बढ़िया बनाओ कि कुछ भी लोग आए ताना मारे, कितना स्ट्रांग बना इमोशनली खुद को कि यार मुझे ये गोल के ऊपर काम करना है, मुझे 6 महीने के अंदर इतना जबरदस्त बनना है कि सारा जो भी नशा को छुटकारा पाए और फैमिली इतना प्राउड करे कि 6 महीने के बाद 1 साल के बाद मैं कुछ नया बनूं, और अपने अंदर वो टैलेंट ऑलरेडी है सबके अंदर। ठीक है, जैसे हमारे आगे लेक्चर होने वाले, आज बहुत ज्यादा पूरे टाइम नहीं है, बहुत सारे लेक्चर होते हैं, EFT में इमोशनल फ्रीडम कितनी बढ़िया टेक्निक्स है, और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स जो हमारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, हमारे बॉडीज को हम लोग टैपिंग करते हैं और इतना रिलीज मिलता है, चाहे वो हेल्थ, 4 पिलर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक तो हेल्थ इम्पोर्टेंट है, घर में लोग बीमार होते तो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, वो 4 लोग है 3 लोग क्या है बीमार है फिर हम लोग टेंशन में आते हैं, तो एक हेल्थ है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप। यहाँ पे जितने भी सारे लोग है उसमें से मुझे लगता है 80-70% लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर, बराबर। ओके, उन्होंने स्माइल देखे था, आपका शादी हुआ है? हाँ, तो ठीक है, चलो ओके। और तीसरा है करियर, जैसे इन्होंने कहा, और चौथा सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो मुझे भी सिखाया वो है मणि, है कि नहीं? तो इन चारों फैक्टर को हम लोग आगे आने वाले सेशन में काम करेंगे। मैं इतना गारंटी दूंगा कि जितने भी सेशन हमारे होंगे उतना हंसी मजाक में एंजॉय करते करते प्रैक्टिकल करते करते हम लोग सीखेंगे और अपने लाइफ को चेंज करेंगे, तुम्हारे लाइफ को चेंज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपको कैसे लगा अभी तक का लेक्चर? ऐसे नहीं बोला, अच्छा था, सच में सच में था। ओके, चलो बढ़िया। और 5 मिनट का सेशन में लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सब में थोड़ा सा लेक्चर, ठीक है? ओके चलो, एक यहाँ कोई आ सकता है, एक थोड़ा सा आपको हेल्प चाहता है मेरे आई का, नहीं आप ओके आई आई 2-3 लोग यहाँ पे आइए, आइए 2-3 लोग आइए, कैटेगरी देंगे यार, चलो आप आइए सर, बस बस। आज हम लोग एक थोड़ा सा एक कभी कभी आपके मन में भी ये आया होगा कि यार ये हिप्नोसिस होता क्या है, हिप्नोसिस आपने सभी सुना है, लोग बोलते कि यार हिप्नोसिस से उसने लूटा, उसने ये किया, पिक्चर में दिखा दी कि नहीं, वो कैंडल उसने बोला अभी उसका कत्ल करना ये करना। हाँ, इसका यूज अच्छा क्या हो सकता है, मैं आज जाते 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 मैं बताता हूँ, आपको इंटरेस्ट है? Yes. चलो अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है ना कि हिप्नोसिस किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, पहली बात क्या है हिप्नोसिस में किसी को कंट्रोल, कोई भी बोलेगा वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर हिप्नोटिस्ट का जो वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता, टीवी में दिखाते यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, उसको माइंड के ऊपर हम लोग सजेशन देके टेम्पररी सोल्यूशन पर क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हैक करते हैं, ठीक है? तो उसकी क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग उसका बॉडी लैंग्वेज, वो होगा भी नहीं होगा, उसकी सजेस्टिबिलिटी आप ही सीखेंगे। yes. सीख के क्या करेंगे, क्या करेंगे सीख के क्या करेंगे, इसका अनुभव आप लोगों को देंगे। सडनली इससे 100% हमने एडिशन में वो इतना इम्प्रूवमेंट होता है, सडनली क्विकली भी छूट जाता है। हमारे ये जितने भी सारे प्रॉब्लम है हमारे कहाँ पे है, सबकॉन्सियस माइंड के अंदर बैठे हुए, उसको हम लोग निकालने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हिप्नोसिस। कैसे काम करता है मैं आप दिखाऊंगा। अभी आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन हिप्नोसिस का, देखा वो क्या मैजिक था? नहीं, हिप्नोसिस इज प्योर साइंस, हिप्नोसिस इज प्योर साइंस, नॉट अ मैजिक। तो कभी किसी ने कहा कह रही है ऐसे होता, कुछ नहीं, उनको समझाइए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसका बेनिफिट ये हो सकता है, हम अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने माइंड सेट को इतना बढ़िया बना सकते हैं, हम अपने लोगों के इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छा बना सकते हैं, हजारों बेनिफिट्स इसके, हजारों बेनिफिट्स, ठीक है? तो आप आइए गणेश जी।